एजाज शरीफ हेट क्राइम मामले में थाने मोवरा पुलिस का बेहद निराशाजनक रवैया। मामले को दबाते हुए आरोपी नवीन गुप्ता पर सिर बनाया चैप्टर केस। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत। 24 मई शुक्रवार को दोपहर के समय हमने आपको एक खबर बताई। उस दिन आपने उस खबर में देखा कि मुमरा निवासी जो नूरानी आर्केड प्रिंटे हाउस के बाजू में वहां के रहने वाले ओला उबेर चालक एजाज कादर शरीफ के साथ में क्या हुआ, वो आपने उनकी जबानी सुना, पुलिस का रवैया क्या था। उस दिन भी हमने आपको बताया, दोबारा आपको बता रहे कि इसमें धारा 295 भारतीय दंड संहिता की लगनी चाहिए थी। इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 295 इसमें लगना चाहिए था, मगर डेलिबरेटली पुलिस ने नहीं लगाया। मौजूदा जो स्टेशन हाउस इंचार्ज थे उन्होंने इनकार किया, उनके जो पुलिस स्टेशन इंचार्ज थे 3-स्टार PI उन्होंने इनकार किया, और उसके बाद इस मामले के जांच करने वाले API तांबे इन्होंने भी जो है सभी ने एजाज शरीफ कादर को एक ही बात समझाई कि इस मामले को तुल मत दो, दंगे हो सकते हैं, रॉइड्स हो सकती है, क्या हो सकता है, लेकिन हम कानून का काम नहीं करेंगे, वर्दी हमने जिसके लिए पहनी है उसका काम हम नहीं करेंगे, यही रवैया इन पुलिस वालों का था। और सबसे अफसोस की बात कि थाने पुलिस आयुक्तालय के वरिष्ठ अधिकारियों को वीडियो भेजने के बाद भी इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, इसमें कोई जो है कानूनी कार्रवाई सही रूप से जो होनी चाहिए थी वो भी नहीं की गई। अब आपको इसमें बता दें कि आरोपी उसी दिन पुलिस को पता चल गया कि आरोपी कौन है, कौन था वो महिंद्र सफेद रंग की जीप, थार जीप लेकर आया हुआ बंदा जिसने एजाज कादर शरीफ के साथ में अपशब्द बोल करके धार्मिक विद्वेष के साथ में हेट क्राइम किया, मारपीट की। अब वो आरोपी कौन है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नवीन गुप्ता, नवीन गुप्ता का संक्षिप्त में इतिहास आपको बता दे, लगभग आज से 15-1 वर्ष पहले ये अंबेडकर नगर मुमरा का जो अंबेडकर नगर है शंकर मंदिर रोड से वहां पर ये रहा करता था। नशेड़ी किस्म का युवक है और अक्सर यहां पर वो छोटे मोटे जरायम में, छोटे मोटे क्राइम में शामिल भी रहा करता था। फिर उसने रीति माफियाओं और डीजल माफियाओं का साथ पकड़ा, उनके लिए काम करने लगा, और सूत्रों के अनुसार दीवा में रहकर अभी भी वो यही काम कर रहा है, रीति माफियाओं और डीजल माफियाओं के लिए काम करना। अब उसका ये फोटो आप देख लीजिए, उसके चेहरे के हाव भाव देख लीजिए, इससे पता चलता है कि नवीन किस मानसिकता का बंदा है। अब नवीन को गिरफ्तार करने के बाद धारा 324 में तो इन्होंने 41A का नोटिस ही उसे दिया होगा, मगर उसके ऊपर CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोड की धारा 107 के तहत चैप्टर केस की कार्रवाई की है। अब चैप्टर करने से नवीन दोबारा किसी मुसलमान को मारने से रुकने वाला है क्या? थाने पुलिस इसका खुलासा आधिकारिक रूप से क्यों नहीं कर रही है, और क्यों कर 295 इसमें होने के बावजूद नहीं लगाया जा रहा है? जो अधिकारी जो है जिन्हें ये काम करना चाहिए वो संरक्षणाय खल निग्रहणाय को जो है बिल्कुल उल्टा करते हुए यहां पर आरोपी का बचाव कर रहे, उचित धारा नहीं लगा रहे और एजाज कादर शरीफ को न्याय भी नहीं दे रहे। अब एजाज कादर शरीफ ने हमसे बात करते हुए कहा है कि वो वरिष्ठों तक जाएंगे, जरूरत पड़ने पर कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। वो भी बात जो है उन्हीं के जबानी हम आप तक पहुंचाएंगे कि क्या उनकी मंशा है और किस तरह का वो काम इस पर कर रहे हैं। तो फिलहाल एजाज शरीफ के साथ जो हेड क्राइम हुआ था उसके फॉलोअप वाली इस खबर में हम आपको बता रहे हैं, आरोपी नवीन गुप्ता है, आरोपी का संक्षिप्त इतिहास क्या है और पुलिस का रवैया आज भी क्या है। अचानक पीछे से हॉर्न बजाते हुए एक स्पीड के अंदर जो है व्हाइट कलर की महिंद्रा थार जीप आई और उसने मुझे मेरी गाड़ी और उसकी गाड़ी के बीच में ब्लॉक किया। अच्छा। ब्लॉक करने के बाद में मैंने देखा पलट के, क्या हो गया भाई, ऐसा क्यों किया? तो उसने गाली गलौज शुरू कर दिया, मराठी में बोलने लगा, झवाड़िया कुर्ता पजामा घालून तू दिवात कसा आला, तुम्ही लांड्या लोग मुसलमान लोग मला तुमच्या लोकांना बघून मला मुसलमान लोगांवर खूप घृणा येते मला। अच्छा। हाँ, और मेरे को बहुत नफरत है तुम लोग से। तो मैं बोला भाई तेरा मेरा दुश्मनी क्या है, ना कोई झगड़ा है, ना चलो रोड पे ड्राइव करते हुए कोई आपस में नोक झोंक हुई है, मैं तो 2 घंटे से यहाँ पर खड़ा हूँ और सिर्फ मुंह धोने के लिए बाहर निकला और तुम मेरा लिबास देख के मेरे को लिबास पे और मेरी जात पात के ऊपर गाली गलौज कर रहे हो। तो उसने डंडा निकाल के मेरे गाड़ी को तोड़ने के लिए गया, तो मैंने उससे गाड़ी को सेव किया, तो बाद में उसने मेरे पैर पर फटके मारा, हाथ में मारा, गर्दन पे यहाँ मारा और सर पे मारा, तो सर फट गया मेरा, ब्लीडिंग वगैरह होने लगी। और पब्लिक जो सुबह का टाइम था, सब जो काम धंधे पे जाने वाले स्टेशन के लोग थे वो भी देख रहे थे, रिक्शा वाले भी वहाँ के लोकल जो है वो लोग भी देख रहे थे, लेकिन किसी ने कोई बीच बचाव नहीं किया।